फतेहपुर संसदीय सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए हार्दिक पटेल पहुंचे। अमोली कस्बे में आयोजित जनसभा में कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने तंज कसते हुए कहा कि किसान के खेत को नहीं बल्कि उद्योगपतियों को चौकीदार की जरूरत है। इस सरकार ने व्यापारियों को ही मजबूत किया है। यूपी में 2.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियों के पद खाली पड़े हैं, लेकिन ये क्यों नहीं भरे जा रहे हैं, योगी इनकी वजह नहीं बता रहे हैं। नहीं, ये नहीं लगता कि अगर बसपा और मतलब कांग्रेस और गठबंधन की बसपा सवाल आए, अगर ये दोनों साथ आए तो ज्यादा बेहतर होता है। बिल्कुल बेहतर होता, उसमें जरा भी गुंजाइश नहीं है, लेकिन पार्टी गाइडलाइन से जो भी फैसला लिया होगा, मुझे लगता है जनता के हित के लिए लिया होगा। गुजरात में साध्वी प्रज्ञा के बयान को किस तरह देखते हैं, क्या भाजपा ध्रुवीकरण की तरफ ले जा रही है? साध्वी प्रज्ञा का जो स्टेटमेंट आया था, मेरे देश का एक ऐसा नौजवान हमन करकर है जिसने आतंकवादी के खिलाफ लड़ते लड़ते अपनी जान गवा दी, अगर उसको भी श्राप की वजह से मौत हो गई ऐसा बोलते हैं तो बड़े दुख की बात है। आपको चुनाव लड़ने से रोक लिया इस पर क्या? चुनाव लड़ने से रोक लिया गया, ये समझिए 25 साल का छोरा काफी मजबूत है। थैंक यू। कहाँ से जाना आपने को? मैं यूरोप।